वेलकम फ्रेंड्स, एक नई क्लास, एक नई उम्मीद। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन, जिसे हम लोग हिंदी में समांतर माध्य और माध्यिका बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य के कुछ सवाल रिवीजन करेंगे जो कि आपने पिछली क्लास में देख लिया है। याद रखें, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास जो है 3 दिन हफ्ते में लाइव होती है, जो कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को रात्रि 10:05 से होती है। बाकी ये क्लास 2-4-10 मिनट आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा इंतजार कर लिया करें, बस ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना? आगे तो होगी नहीं, पीछे हो सकती है। चलिए देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सवाल देखे हैं, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, जनरल एग्जाम यानी कि आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, जल्दी से कमेंट कर दें, फिर हम इसका तरीका देखते हैं। जैसे कि सवाल कह रहा है, डीएलएड के 5 छात्रों के प्राप्त अंक 20, 8, 9 और 11 है। मतलब जो कुछ पढ़ते लिखते थे उनका 20 है, बाकी के 12, 8, 9, 11 इस तरह से। तो इन प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब बुरा मत मानिएगा, इनमें से आप लोगों के मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ये केवल एक क्वेश्चन मैंने बनाया है बस, ठीक है ना? कैसे निकालते हैं इसका एक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा ना, सिग्मा बराबर लिखते थे, वो सब छोड़ दीजिए, आप सिंपल में देसी भाषा में जान लीजिए, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये देखिए, जिनका आंसर नहीं आया, बहुत ध्यान से वो लोग देख रहे हैं कि जब लिखा जाएगा तो हम छाप लेंगे, तो जल्दी से छाप लें। वो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा लें और आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। कुल पदों का योग मतलब इन सभी को जोड़ देना है, तो 12 में जोड़ेंगे 20 और ये 8, 9, 11। कुल पदों की संख्या मतलब ये है कितना, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अगर हम जोड़े सिंपल में देखिए तो 20 में 12 जोड़ेंगे तो हो गया 32, 32, 8, 40, 40, 9, 49, 49 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये 60 में 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 12। इस तरह से आपका आंसर आ गया 12, यानी कि वो जो उत्तर था ना समांतर माध्य का, वो सी वाला ऑप्शन राइट था। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब की का सवाल जो होगा उसे आप सभी लोग बता लेंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए, जो लोग लिखना चाहते हैं एक बार टच करें अपने स्क्रीन पे, वीडियो रुक जाएगा, लिख लीजिए फिर चलाइएगा। हो गया, कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। अगर आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने 7 छात्रों के प्राप्त अंक दे दिए, अब क्या होगा, 7 छात्रों के मतलब मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देने वाला हूं। अब आप लोग उत्तर बताएंगे तुरंत, बढ़ा देता हूं भाई अब प्राप्त अंक आप लोगों के 40, 50, 110, 18, 20, 5 हो गया 15 और ये 45। जल्दी से इसके आंसर बताइए 118, 77, 72, 9 of these। जल्दी से कमेंट करिए, अगर नॉन ऑफ दीज होगा तो कितना आएगा, उत्तर भी लिखिएगा, बहुत जल्दी करें, सभी के कमेंट्स आ जाने चाहिए, अगर आ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गए ना, चलें आगे, ठीक है। अगला सवाल थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, बगल में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका उत्तर आप लोग कोशिश करें कमेंट करने का, नहीं तो हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा हटके सवाल होगा, वैसे तो दिख रहा है क्लियर ना, थोड़ा क्वालिटी चेंज कर लीजिए सेटिंग से अगर कुछ गड़बड़ है तो, हमारी तरफ से फुल एचडी क्वालिटी का वीडियो है इसलिए ये रिकॉर्ड किया गया है। कुछ विद्यार्थियों का भार केजी में है, याद रखिएगा कुंटल में नहीं है, निम्नांकित है उनका समांतर माध्य क्या होगा, निम्नांकित मतलब यहाँ पे दिया गया है, छात्रों की संख्या 6 और 6 छात्रों का जो भार है वो 30 है, यानी कि 5-5 किलो के हैं,
और 10 छात्रों का भार 31 किलो है, 15 छात्रों का भार 32 किलो है, और 10 छात्रों का भार 33 और 9 छात्रों का भार 34 किलो है, इनका समांतर माध्य क्या होगा? इनका भार कितना है इससे नहीं मतलब, समांतर माध्य निकालते कैसे है? इसको देखिएगा, आपको तीन कॉलम बनाना होगा, एक में आप भार लिखेंगे, दूसरे में छात्रों की संख्या। इसको अक्सर एफ से दिखाते हैं, भार या जो भी चीज दिया हो पहले खाने में, दूसरे में जो नंबर या काउंटिंग दिया होगा उसको एफ से दिखाते हैं, हमने लिख दिया ब्रेकट में, चाहे आप लिखें या ना लिखें। ये हो जाएगा भार गुणे बारंबारता, मतलब भार और ये संख्या दोनों को गुणा करते हैं। इसे आप ऐसे कर लीजिएगा, यक्स गुणे यफ, या फिर यफ गुणे एक्स, मतलब वही हुआ, ठीक है ना, या गुणे एक्स, यक्स गुणे एफ हो जाएगा। तो ये तो मैंने यही लिख लिया था जो इधर दिया गया था। अब प्रॉब्लम ये होती है, इसको गुणा करना होता है, किसको? इसको इसमें, ऐसे ऐसे। तो चलिए करते हैं नीचे से, 9 का गुणा 34 में करेंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा, 9 चौक 36 के 6 80 लाया 3, और 9 3 27 3 30। मैंने पहले से इसीलिए नहीं लिखा कि आप लोगों को लगेगा कहां से आ गया। अगला देखिए, 33 का गुणा 10 में करना है, तो भाई लास्ट में एक जीरो है, 33 लिख करके लास्ट में एक जीरो लगा दो, बस हो गया। 15 का गुणा 32 में करना है, 15 दूना 30 का जीरो हासिल कितना है? 3, और 15 तीन 45, 3 48। जिसको जिसको छापना है जल्दी जल्दी से छाप लीजिए। अब 31 का गुणा करेंगे 10 में, तो ये 31 हो जाएगा, उसी के बगल एक छोटा सा जीरो, और फिर 6 का गुणा करेंगे किसमें? 30 में, तो जीरो उतार लेंगे, और 6 3 18, 180। अब इसको जोड़ना है, बहुत बड़ी मुसीबत है, कैसे जोड़ेंगे? सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स, या फिर सिग्मा एफ एक्स, यहां लिखेंगे योग, योग मतलब जोड़, इसको जोड़ लीजिए, उसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 में 15 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 10 41, और 41 में 9 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 50। अब आपको जोड़ घटाना तो आना ही चाहिए भाई, यहां पर नहीं बताया जाएगा, वो भी हम बताते हैं। अगर जोड़ घटाना नहीं आता तो आप बिल्कुल कक्षा एक से गणित देखिए ना, जीरो लेवल की। मैं आगे चलें, इसको कैसे जोड़ेंगे? यहां देखिए 180 है, 310। अगर एक बार गौर करें आप इसमें, तो तीन अंक के सभी हैं, तो चलो भाई एक तरफ से जुड़ते हैं पीछे से, तो लास्ट में देखिए सभी का जीरो है अंक ना, लेकिन नीचे में छह है, तो यहाँ पे जो आएगा वो छह आएगा। देखिए मैं छह लिख रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के लिख रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो, छह लिखा ना, लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ हमारे समझ से ज्यादा अच्छा होगा, छह लिख दिया। दूसरा अंक पे आते हैं, इसमें 8 है, इसमें 1 9, 9 8, अरे भाई 9 9 18 होता है, 9 8 17, 17 3 20, 20 इसमें 0 है, कुछ नहीं, यहाँ जाएगा 0, हासिल आया कितना? 2, दो हासिल इसमें जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 6 4 10, 3 13, 3 16, ये हो गया 1606, यानी 1606, और ये हो गया 50। अब आप लिखेंगे समांतर माध्य का एक फार्मूला, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हम सवाल मिटाने वाले हैं, जल्दी करें, फट से लिखिए, तुरंत मैं बताता हूं आगे फिर आप लोगों को, ठीक है? हो गया, कर लिया आप लोगों ने? इसमें एक काम करिएगा, इसको यन के बराबर लिख दीजिएगा, क्लियर? तो देखिए आगे अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं साइड में, क्योंकि इसको एक ही क्लास में दिखा देना जरूरी है ना, तो मैं आपको साइड में दिखा देता हूं, हल करके कहीं नहीं जाना है, गौर करिएगा। देखिए जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे, है ना, तो आपके कमेंट्स के लाइव जवाब जो है ये जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, अगर आप ये कमेंट बाद में करेंगे तो आपको जरूर आंसर मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। अब आप लिखेंगे ये समांतर माध्य बराबर, पूरा लिख लीजिएगा आप, जरूरी नहीं कि हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिए, सिग्मा एफ एक्स बराबर, ऐसे कर लेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स अपान एन, ये फार्मूला होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, मतलब ये पदों की जो संख्या थी उसको जोड़ लिया, और जो योग था, ये अलग तरह होता है थोड़ा सा, वो अलग तरह था कि कुछ विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 5 18 20 25 दिए हैं, तो समांतर माध्य क्या होगा, वो अलग टाइप था। अगर ये बारंबारता वाला दिया ऐसे ना, तो ये अलग टाइप होता है।
एक्स का मान रख दीजिए कितना आया है, 1606 आया था ना अभी, यहां लिखा था ना 1606, तो ये हो गया 1606 और नीचे एन का मान है 50, क्लियर 5050। इसको काट देंगे जो भी कटेगा, काट दीजिए देखते हैं किससे कटेगा, ये दो से कट सकता है ना, तो दो अठे 16, दो जीरो दो तिहाई 6 और नीचे आ जाएगा 25, 25 बटे 803, 803 बटे 25 आ जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो 32.12 लगभग में आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 32.12 कैसे आया, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आया। वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए, जिनको लिखना है बहुत जल्दी से रोक लें, क्योंकि यहां पे हम कुछ और भी करने वाले हैं। अब ये 32.12 कैसे आया देखिए, अगर आपने नहीं लिखा था तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लिख लीजिए, मैं यहां पे आपको भाग देके दिखाने वाला हूं कि कैसे आया, गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, भाग दे लीजिए ना ये 803 में 25 से, तो कितनी बार जाएगा, ये 803 है, 25 दूना 50, 25 तीन 75, लगभग तीन बार जाएगा, ये 75 आएगा, ये 5 आ जाएगा, और फिर ये 3 उतारेंगे तो 25 दूना 50 और फिर 3 आएगा। अब देखिए कुछ बचा नहीं ऊपर, तो वही एक बात है कि भाई उधार ले लो घटा लेते हैं इसमें से, मतलब ऊपर दशमलव बढ़ाया नीचे जीरो उतार लिया, अब इसका भाग एक बार जाएगा, ये 25 आ गया, फिर घटाने 5 आया, एक बार दशमलव बढ़ाते हैं तो बार बार जीरो उतार सकते हैं, फिर दो बार जाएगा तो ये 50 आ जाएगा और यहीं पे इसका फासला हो जाएगा खत्म, मतलब 32.12 आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाहे चीटिंग करके ही बताया हो बट आ गया ना। जल्दी से नोट कर लीजिए जिसको जिसको लिखना है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऊपर तो दिख ही नहीं रहा क्या क्या लिख दिया, अब देखिए आ रहा है ना, कर लिए नोट, नोट कर लिए तो मैं चलता हूँ फिर से नॉर्मल। जी बिल्कुल, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको जिनको लिखना है, जल्दी करें। अब हम देखेंगे माध्यिका, माध्यिका किसे कहते हैं, कैसे जानते हैं, इसके बारे में एक थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी समझेंगे बहुत अच्छे से, तो हम स्पेशल क्लास में देखेंगे। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए, मतलब एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर ऐसे कह लें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, तो बीच में पड़ने वाले मान को माध्यिका कहते हैं। कैसे, गौर करिएगा, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो अगर मैं देखूं एक पद इधर एक इधर और एक इधर, दो इधर दो इधर, तो बीच में कौन पड़ रहा है, तीन ना, हमने कैसे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, ये गौर से देखिएगा, तब भी तीन उसी जगह पे आ रहा है, मतलब दो गिनती इधर दो इधर तब भी हो रही है, हो रही कि नहीं, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि कोई भी आंकड़ा अगर इस तरह से दिया है उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो बीच में जो पद आएगा वो क्या होगा, उसकी माध्यिका होगी, यानी एक से लेकर के पांच तक जो गिनती है इसकी माध्यिका तीन है, समझ गए ना। और हाँ, लेकिन सभी में ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब पदों की संख्या विषम हो तो उसमें एक फार्मूला लगाते हैं, वो कौन सा, n upon 2 plus 1। तो पहले हम एक सूत्र के साथ एक सवाल देते हैं आपको, उसके बाद सूत्र दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसके पहले आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, अगर मैं ना बोलूं तब भी आपको समझना चाहिए, और अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको सभी क्लासे मिल सके। उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा, इतना बहुत समझदार हैं आप। देखिए, समांतर माध्यिक की बात अलग है, माध्यिका की बात अलग होती है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले गिनते हैं कि ये पद हैं कितने और वो सम है कि विषम संख्या। जैसे कि हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पदों की संख्या कितनी है, 8 दी गई है, 8 ही तो है भाई, और भी है ना इसमें, हाँ और भी दी गई है, तो
अब ये विषम होगा कि सम होगा पद, ये देखना है। ध्यान दीजिएगा, सात ही होनी चाहिए। 148, 151, 3, 3, 4, 1, 7 है, ठीक है, 7 है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी, कैसे निकालते हैं? इसके लिए फार्मूला लगाते हैं सिंपल में। यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, यहां पदों की संख्या कितनी है, 7 है, जो कि विषम है, जो कि विषम है। अतः माध्यिका यानी कि मीडियन इक्वल क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू प्लस वन। एन का मतलब ये कितनी संख्या है, 7 है ना टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आप रखेंगे 7/2 × 1। बाकी नहीं, मतलब ये इतना लंबा लिखा है, चौड़ा क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो माध्यिका कैसे आएगी, गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। नंबर जो दिए गए हैं मैं उनको आपको बता देता हूं, 148, 151, ठीक है। अब हल कर लीजिए, ये तो आपको आता है ना, 7 × 7 = 2/2, 7 × 2 = 9, कितना आ रहा है, 9/2, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्या फार्मूला जो लिखा गया है ना, गौर करिएगा, ये ऐसे नहीं होगा, फार्मूला है तो सही बट ये ऐसे हो तब अब वो ऐसे n प्लस वन अपॉन टू सीधा सीधा एक में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 1/2 = 8/2 और इक्वल ये आ जाएगा 4। समझ गए ना, जो हम वन को अलग कर रहे थे वो अलग नहीं रहेगा। अब क्या होगा, ये 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब देखिएगा, समान आपका जो है माध्यिका कितना आएगा, चारवें पद का मान। तो चारवां पद कौन सा है भाई, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, चौथा पद कौन सा है, अभी नहीं समझ में आएगा आपको,